बताया कि आटा कैसे लगाया जाता है। तो चले आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 5 किलो आटा लिया है एक तगारे में, और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाला जाएगा। ये स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और उसके बाद इसमें पानी ऐड किया जाएगा। पानी ये इसमें पानी ऐड किया जा रहा है। डाला एक जग पानी ऐड किया है। इसमें पानी अपने अनुसार डाल सकते हैं, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा भी नहीं डालना है। और इसमें एक गिलास दूध और ऐड किया जाएगा, जिससे रोटी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके मिलाया जाएगा। एक छोटा बाउल गुलाब एक छोटा बाउल गुलाब जल डाला जा रहा है, और इन सबको अच्छे से मिक्स किया जाएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। ये देखिए, आटा को हमेशा दोनों हाथों से लगाना चाहिए, जिससे अच्छे से मिक्स होता है आटा। ये देखिए, दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। ये देखिए, अच्छे से आटा लगाया जा रहा है। और थोड़ा और पानी ऐड किया जा रहा है। देखिए, आटा को थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ दिया है, जिससे अच्छे से गल जाएगा ये। और फाड़ दो ना यार, ये करते दो क्या, दिन से फाड़ना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, रखिएगा आपके पास। आटा को थोड़ी देर छोड़ दिया गलने के लिए। आटे को थोड़ा गलने के बाद फिर थोड़ा लगाया जा रहा है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ रही है आटे में। आटे को हमेशा अच्छे से मसलना चाहिए। बहुत सारे अच्छे से मसलते नहीं, इसलिए उसकी रोटी फिर सही नहीं बनती है। आटे को उतना मसलो जब तक उसमें लोच नहीं आ जाए। ये देखिए, आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से गूंथा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, सज्जन आटे में धीरे धीरे लोच आने लगा है, इससे ये पता चलता है कि हमारा आटा पूरी तरह लग के तैयार हो चुका है। ये देखिए, आटे में लोच आने लगा है। ये देखिए, आटे में बहुत ही अच्छा लोच आ गया है, लचीलापन आ गया है आटे में। ये देखिए, बहुत ही अच्छा हमारा आटा लग चुका है। ये देखिए, आप भी ऐसे ही लगा के ट्राई कीजिए। आटे को थोड़ा लगाने के बाद छोड़ दीजिए फैला के। ये देखिए दोस्तों, हमारा आटा पूरी तरह से लग के तैयार हो गया है। अब इसकी आप रोटी बेल सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रोटी बनेगी इसकी, आटे की। ये देखिए, तो आप भी ऐसे ट्राई करें दोस्तों। आटा लगाने का यही सही तरीका है। अरे सब तो डालना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।